गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड 35 क्वेश्चन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स और इस ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमपी बोर्ड स्टूडेंट, तो बने रहिए इस वीडियो में और सॉल्व करते हैं और साथ साथ ही मैं आपको क्वेश्चन के बैकग्राउंड स्टोरी भी साथ साथ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बेटा फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है? नहीं, ये कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट बेटा? फॉर्मिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला? फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला होता है इसका HCOOH। क्या होता है फॉर्मूला? HCOOH। इसका और क्या क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका दूसरा? मिथेनोइक एसिड। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है आपके एंट स्टिंग में, है ना, लाल चींटी में, बी स्टिंग में, आपके मधुमक्खी में, नेटल लीव्स एक प्रकार की पत्ती है इसमें, नेटल लीव्स में, इन तीन जगह पे आपको फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और कैसा एसिड है ये? वीक एसिड है। इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, नेचर में प्रेजेंट, इसलिए कैसे बोलते हैं इसको? ऑर्गेनिक एसिड। अगर सपोज आपको चींटी ने काट दिया या मधुमक्खी ने काट दिया तो इसको कैसे ठीक करेंगे अपन? तो एसिड है तो एसिड के ऊपर अपने को क्या लगाना पड़ेगा? बेस। हम क्या लगाते हैं, क्या अप्लाई करते हैं हम? बेकिंग सोडा। क्या अप्लाई करते हैं? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से लगाने से आपका जो इरिटेशन होता है कि काटने पर वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस इज वन विच एब्जॉर्ब एयर। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होता है जो एयर को एब्जॉर्ब करता है। नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। देखिए, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करते हैं किसको? एब्जॉर्ब वाटर, और इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं इसको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपने देखा होगा NaCl। ठीक है, आपने देखा होगा NaCl करता है एब्जॉर्ब पानी। अगर सपोज आपने कटोरी में नमक रखा है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है आपको किसका? आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा। क्या है इसका फॉर्मूला? Na2CO3.10H2O। क्या होता है? .10H2O। दूसरा आपको याद रखना है जिप्सम। दूसरा किसका याद रखना है बेटा? जिप्सम। इसमें कितने होते हैं? CaSO4.2H2O। कितने होते हैं इसमें? 2। तीसरा याद रखना है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। POP में होता है CaSO4.5H2O। इट इज़ कॉल्ड कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आता है आपका, जो आपको याद रखना है वो है CuSO4.5H2O। इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रॉल। ठीक है, ये क्या है आपका? कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में कितना है आपका? 5। POP में कितना है? हाफ। जिप्सम में कितना है? 2। एंड सोडियम कार्बोनेट में कितना है? 10। ठीक है, एक होता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और मोहर सॉल्ट, इसमें कितने होते हैं? 0.7H2। कितने होते हैं? 0.7। तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में हमारे इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 38, ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्या ड्राई HCl चेंज करता है आपका लिटमस ऑफ ड्राई HCl? ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। आपको कलर चेंज करने के लिए कैसा होना चाहिए आपके पास? मॉइस्ट लिटमस पेपर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट, मतलब इसमें वाटर की क्वांटिटीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, द ऑप्टिमम pH फॉर एक्टिविटी ऑफ अमाइलेस इज 8-9। ऑप्टिमम pH ऑफ अमाइलेस। अमाइलेस क्या है बेटा? अमाइलेस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अमाइलेस कैसा है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। वो बोल रहा है कि इस वर्क करने के लिए 8-9 pH वैल्यू चाहिए। ये सही है क्या? नहीं। pH वैल्यू कितनी चाहिए बेटा आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए? 7.4। कितनी चाहिए? 7.4। और किसकी है ये? ब्लड की। किसकी है? ब्लड की। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द हायर द pH द वीकर इज द एसिड। द हायर द pH द वीकर इज एसिड। जितना ज़्यादा pH ज़्यादा होगा उतना कम एसिड होगा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि pH स्केल में अपन ने देखा है कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से लेकर 7 तक। 1, 2 ये कैसे हैं आपके? स्ट्रॉन्ग एसिड है। 6 वाला कैसा है आपका?
वीक एसिड है। तो जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ रही है आपकी एसिड क्या होती है, घटता है एसिड का स्तर। द पीएच ऑप्टिमम फॉर एक्टिविटी ऑफ पोर्सेनिक पेप्साइन, पोर्सेनिक पेप्साइन लाइज इन बिटवीन 2 to 2.5। अब देखो पोर्सेनिक पेप्साइन क्या है बेटा, ये आपका एक एंजाइम है जो रिलीज होता है आपके स्टमक में। कहाँ पे होता है? स्टमक में। इसका काम क्या होता है? टू डाइजेस्ट प्रोटीन। किसको डाइजेस्ट करता है बेटा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और आपके स्टमक में कौन सा एसिड होता है? एसीएल एसिड होता है। तो एसीएल एसिड आपका कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू 2 to 2.5 होगा। हाँ, तो इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। तो 41 का आंसर क्या है? सही है। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक कर देते जाता हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, 38 to 37 एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 42। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके कब होता है? आप जब आपके माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे आता है। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, टूथ डिके कब होता है? 5.5 के नीचे। जब आपके माउथ में 5.5 से नीचे पीएच वैल्यू जाएगा तब आपको क्या होगा? टूथ डिके, मतलब आपके माउथ में एसिडिक होगा। तो जैसे पानी पूरी खाते हैं अपन, च्यूइंग गम्स, चॉकलेट्स जो खाते हैं, इससे आपके दांत खराब होते हैं। द ऑप्टिमम पीएच फॉर एक्टिविटी ऑफ कीमोट्रोसोफिन इज 4 to 5। कीमोसोट्रोफिन क्या होता है बेटा? कीमोसोट्रोफिन आपने सुना है कभी? कीमोसोट्रोफिन क्या है? आपका एक ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन है जो वर्क करता है। ये वर्क नहीं करता है आपके 4.5 में। तो स्टेटमेंट कैसा है बेटा? रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 44। द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज लैक्टिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो लैक्टिक एसिड, स्टेटमेंट कैसा है बेटा? फॉल्स है, क्योंकि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? आपके कर्ड में, आपके मिल्क में। तो मिल्क के अंदर जो एसिड है वो कौन सा है? आपका लैक्टिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 45। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा है? NaHCO3। कोई मुझे इसका कॉमन नेम बता सकता है? इट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका केमिकल नेम है। हाँ बिल्कुल, केमिकल नेम है। 45। द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज मोर देन 7। द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है? आपका बेस है Na2CO3। इसको अपन एक्वस सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये क्या होगा? आपका एल्केली बनेगा। बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड एल्केली। क्या इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा? हाँ, 7 से लेकर कहाँ तक होगा? 14 तक। तो स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। 46 का स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्वेश्चन 47 देखो, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो कोई भी एसिड बिहेवियर कब शो करता है? जब वो एच प्लस आयन देगा। जब वो क्या देगा? एच प्लस आयन। तो एच प्लस आयन हमेशा किसमें देता है? एक्वस कंडीशन में, वाटर के प्रेजेंस में। जैसे एससीएल एसिड है, तो एससीएल एसिड आपका ड्राई होगा तो वर्क नहीं करेगा, पर एससीएल एसिड में अगर पानी मिक्स कर देंगे तो एससीएल एसिड में एच प्लस और सीएल नेगेटिव क्या हो जाएगा? अलग अलग। और ये एच प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन, ये बताएगा आपका एसिडिक नेचर। ठीक है, द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन इज 9 से 12। देखो 48 क्वेश्चन का आंसर ये ट्रू है। अभी ये क्वेश्चन आया था आपका ट्रिप्सिन वाला, तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? 4 से 4.5। देखो लिखा था यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत था। कितने पे वर्क करता है बेटा? ये 9 से 12 पे। ठीक है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें सीबीएसई के भी, आईसीएसई के भी इंक्लूड है, जैसे पीएच वाले। इतने टफ क्वेश्चन एमपी बोर्ड में नहीं आते। Na2CO3.10H2O इज द फॉर्मूला वॉशिंग सोडा। हाँ सही है। अगर सपोज इसमें एक रहता Na2CO3, क्या है आपका फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का? या ये फॉर्मूला है। अगर सपोज यहाँ पे होता Na2CO3, अगर Na2CO3 होता, ठीक है, Na2CO3 होता, तब देखिए इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं सोडा वॉश। इसको क्या कहते हैं बेटा? सोडा वॉश। क्या कहते हैं? सोडा वॉश कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर यूज करते हैं। गलत स्टेटमेंट है बेटा। ब्लीचिंग पाउडर को अपन जम्स को मारने के लिए यूज करते हैं, सॉफ्टनिंग के लिए नहीं। सॉफ्टनिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ये वॉशिंग सोडा। क्या यूज करते हैं बेटा अपन? वॉशिंग सोडा। क्या यूज करते हैं सॉफ्टनिंग के लिए? वॉशिंग सोडा। सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। सल्फ्यूरिक एसिड, 51 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड इज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट स्टमक। ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा? गलत है। सल्फ्यूरिक एसिड करता है क्या? नहीं। कौन सा एसिड करता है बेटा? HCl। कौन सा एसिड करता है? HCl एसिड करता है। ठीक है, द बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव एच प्लस आयन। क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास एच प्लस आयन होते हैं? हाँ होते हैं। सपोज जैसे NaOH है, तो एच प्लस आयन होते हैं, पर बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, होते हैं पर कैसे होते हैं? कम मात्रा में। तो इसे स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। व्हेन अ वेब स्टिंग, वेब मतलब होता है मक्खी, रबिंग द अफेक्टेड स्किन विद वॉशिंग सोडा गिव्स रिलीफ। देखो आपको किसी मधुमक्खी ने काटा और आपको वॉशिंग सोडा लगा दिया जाए तो क्या होता है? मधुमक्खी ने काटा मतलब कौन सा एसिड है आपका? फॉर्मिक एसिड है। और फॉर्मिक एसिड के ऊपर अगर आपने वॉशिंग सोडा लगाया, बेस लगाया, तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको रिलीफ होगा? हाँ बिल्कुल होगा।
ठीक है, 53 का आंसर क्या है, ट्रू है। द लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, जितना लोअर होगा पीएच 0 से लेकर 7 तक, 1 2 जो वैल्यू होगी जितना लोअर होगा उतना पीएच आपका स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही। कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, तो क्या बेटा ब्रास और कॉपर वेसल में रखते हैं क्या कर्ड एंड सोर सब्सटेंस को, नहीं रखते। क्यों नहीं रखते बेटा, क्योंकि आपका जो फूड है वो कैसा हो जाएगा बेटा, आपका रेंसिड, मतलब आपका खाना खराब हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मेटल है, मेटल रिएक्ट विद द एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड, उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, खाने को आपको ख़राब कर देगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कहाँ स्टोर करते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको चीनी मिट्टी में स्टोर कर दो, सिरेमिक में, या आप उसको ग्लास में स्टोर कर दो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, इन प्योर वाटर, स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है क्या होता है, CaCO3, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्बल, इसको और क्या कहते हैं बेटा, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पानी में डिजॉल्व होता है, क्या टाइल्स अपने पानी में डिजॉल्व होती है, नहीं होती बेटा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने पूरे ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करे हैं, इन द नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो सभी बच्चे इस पे सीरीज पे बने रहिए, और डेली कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा पर डे, और आपको हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर करके अपनी कॉपी में नोट्स के साथ क्या करना है, इसको स्टिकअप करना है, और आखिरी टाइम पे इसको रिवाइज करना है। बस बेटा आप इतना नोट्स करिए, NCERT पढ़िए, और मेरी ऑनलाइन वीडियोस और टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, आप बहुत अच्छे कलर से मैक्सिमम मार्क्स के साथ क्या होंगे, पास होंगे। थैंक यू।